ऑफ यू आर हार्टली वेलकम टू माई चैनल सुष्मिता मॉमी शेफ। फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए आज लेकर एक बहुत ही फ्लेवरसम राइस रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यमी यमी रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। तो बस जैसे आपने देख लिया कि राइस मैंने डाल दिया है भिगोने के लिए और सारे अरेंजमेंट्स मैंने करके रखे हैं इंग्रेडिएंट्स के। तो चलिए झटपट से गरम करते हैं एक प्रेशर कुकर। उसमें डालते हैं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, डाल देते हैं उसमें बे लीव्स एंड देन 1/4 टीस्पून ऑफ शाही जीरा। उसके बाद उसमें डाल देंगे हम होल स्पाइसेस और एक लार्ज फाइनली चॉप्ड अनियन। इसको करेंगे हम सॉटे थोड़ी देर और उसके बाद डाल देंगे हम उसमें टेस्ट के हिसाब से फ्रेश ग्रीन चिलीज, डाल देंगे हम उसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट, फिर डाल देंगे हम उसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। उसको थोड़ी देर करेंगे सॉटे। अच्छे से सोते होने के बाद डाल देंगे हम उसमें 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सब को ऑल टुगेदर हम करेंगे थोड़ी देर सोते, जब तक प्याज भी थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए और हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉनेस वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। देखिए अभी तो अच्छा दिख रहा है। इसमें डाल देंगे हम प्लम्पी, हमारा वार्म वाटर में सोक्ड किया हुआ स्वीट कॉर्न। दिस इज़ अराउंड 3/4 कप ऑफ स्वीट कॉर्न। उसको डाल के थोड़ा सा वाटर डाल के हम करेंगे सॉटे। उसके बाद जो हमने 20 मिनट्स हमारे बासमती राइस को सोक किया था 1 कप दैट वाज 150 ग्राम्स, उसको हम डाल देंगे हमारे प्रेशर कुकर में। थोड़ी देर सॉटे करने के बाद डाल देंगे हम उसे 1 टीस्पून ऑफ करी पाउडर। अब इसको भी हम थोड़ी देर सॉटे करेंगे, बी वेरी केयरफुल नहीं तो राइस ग्रेन्स टूट जाएंगे। फिर डाल देंगे हम उसमें फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा गार्लिक बटर, दिस इज़ ऑप्शनल, इसको डालने से थोड़ा टेस्ट एनहांस होता है। देन वील पुट हॉट वाटर 1:2 रेशियो में हम डाल देंगे। हमने लिया था 1 कप राइस, हमने डाला है 2 कप्स ऑफ वाटर। ये जैसे ही थोड़ा सा एक साथ उबलने लगेगा हम डाल देंगे इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। बंद करेंगे हमारा प्रेशर कुकर का लिड और इसको 1000 यानी मीडियम हीट पे हम 2 विशल तक कुक करेंगे। उसके बाद जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा फिर हम इसको करेंगे ओपन। बट येस, ओपन करने के बाद हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स। सी कितने खिले खिले और कितने लाजवाब बने हैं हमारा स्वीट कॉर्न राइस का रेसिपी। इसको हम खाने वाले हैं पियर सेल्सा के साथ। पियर सेल्सा बनाना बहुत ही आसान है। एक बाउल में डाल दीजिए फाइनली चॉप्ड रॉ अनियन, फाइनली चॉप्ड टमेटोज एंड फाइनली चॉप्ड 1 स्मॉल पेयर। उसमें आप डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और स्क्वीज करें लेमन भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्क्वीज कर सकते हैं। फिर उसमें डाल दीजिए फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और सब को एक साथ टॉस मिक्स करें। बस हमारा पियर सेल्सा बनके तैयार है। इसको हम रिलिश करेंगे हमारे ये टेस्टी खिले खिले स्वीट कॉर्न राइस के साथ। बहुत ही लाजवाब लगता है, तो ज़रूर से अपने घर पे ये रेसिपी को रेप्लिकेट करें। तो व्यूअर्स, अगर आपको ऐसे ही आसान घरेलू रेसिपीज़ देखने सीखने और उनसे कुछ आइडियाज़ लेना है तो ज़रूर से बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।